दोबारा से धन्यवाद करता हूं। सरदारों, मैं एक चीज आपसे और कह के जाऊंगा, एमएलए जनता बनाती है और एमएलए किसी को ना जिला पार्षद बना सकता, ना ब्लॉक समिति का मेंबर बना सकता, ना कोई वार्ड का मेंबर बना सकता। हम तो खुद तुमसे मांग मांग के जो ना झोली भरते हैं तब जाकर विधायक बनते हैं। मेरी तो सरदारों से एक ही विनती है, जो भाई आपको अच्छा लगेगा आप उसे चुन के भेजें। आज राजू मेरा भाई है, मैं भाई के पास आया हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम किसी और को मत देखो या ये करो, लेकिन काबिलियत है इस भाई में, ये काम कराना जानता है। और ये जो आदमी ना काम करने वाला भी हो ना, मैंने तो इसको पहचान रखा अच्छी तरह से। ये मेरे पैसे निकालने का 3-4 पार्षद है ना, और भूपेंद्र की बहू चेयरमैन बना दिया ले जाके, तो ये बड़ा मतलब तो कम चीज है मैं कह सकता हूँ इसको। तो इसलिए जो व्यक्ति किसी से, जो काम ना करने वाला व्यक्ति हो, जिसके मन में उसका काम करने की इच्छा ना हो, और अगर उसका भी काम करा लाए, तो भाई वो व्यक्ति फिर काबिल तो होता ही है। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा लाड प्यार लेके बैठा हूँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि 90 विधायकों में माननीय मुख्यमंत्री को छोड़कर आपके इस बेटा भाई की उतनी मानता जितना किसी की नहीं मानता। तो भाई ये भी ऐसे ही लाड ला, ये भी अपने काम ऐसे करा लाया करेगा। बाकी आप लोगों ने मुझे बुला के मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत।